अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से आपकी मेज़बान किरण आप तमाम ऑनलाइन नाज़रीन को खुशामदीद कहती है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का राज है और हमारे और आपके दरमियान दूरी की वजह भी कोरोना है, और कोरोना में तो सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। इन मुश्किल हालात में PNCA ने आपको घर पर इंटरटेन करने के लिए ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का एहतमाम किया है। इसी सिलसिले में हम आपको आज एक छोटी बच्ची की खूबसूरत सी कहानी दिखा रहे हैं, जो अपने ख्यालों में गुम रहती थी, यानी कि ख्याली पुलाव पकाती थी। तो आइए देखते हैं ख्याली पुलाव। तू मुझसे नाराज है क्या? मुझे मालूम है कि तू मुझसे खफा है। चल ऐसा करते हैं, आज हम दोनों शहर को चलते हैं। आज काम की पक्की छुट्टी, ठीक है? अच्छा तो पहले हम फजलू चाचा के बाग में जाएंगे, वहां से आलूचे तोड़ के खाएंगे, और फिर पता है बीनों और बिल्लों के साथ चिंजो खेलेंगे, और फिर पता है झील पर जाकर रंग बिरंगी सिपियां इकट्ठी करेंगे, ठीक है? चल अब तो खुश हो जा। बानो, ओ बानो पुत्र। क्या बात है लाला? ओ पुत्र, कितनी देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले ये दूध और मासी जनते के घर दे आ। दे आती हूँ लाला। हर वक्त लाला मुझे ही काम का कहता है, और तो कोई नजर ही नहीं आता। दे ही आती हूँ, क्या याद करेंगे। इस दूध को बेचकर मैं मुर्गी के अंडे खरीदूंगी, अंडे खरीदूंगी। फिर फिर अंडों में से चूजे निकलेंगे, और फिर चूजे से बड़े होकर दुनिया भर बन जाएंगे, और मैं अमीर, बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। हैं? ये कौन है? कौन आया है? आए मैं हूँ मासी जन्नते। मासी, मासी क्या बात है? बानो, मैं शहर जा रही थी अंडे बेचने, सोचा तुमसे पूछ लूं। तुमने तो नहीं खरीदने अंडे? हाँ मासी, खरीदने तो हैं। कितने हैं? 2 दर्जन हैं पूरे, 60 रुपए के होंगे। जितने के भी हो मासी, बस मुझे दे दो। अच्छा तो ये लो। मासी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बानो, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह सोने दे हवाले। अब मैं अंडों वाली टोकरी लाती हूँ। अंडे तो मेरे पास आ गए, अब मैं इन अंडों पर मुर्गी बिठाऊंगी, मुर्गी बिठाऊंगी। मेरा ख्याल है अब मुर्गी लाती हूँ। चुप, बहस खाती है। चुप, बस। चुप, 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 बस। बैठ जा। अब कुछ दिनों बाद इनमें से प्यारे प्यारे बर्फ के गालों की तरह नरम नरम चूजे निकल आएंगे। हर तरफ चू 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 का शोर मच जाएगा, फिर कितना मजा आएगा। हैं? ये चूजे की आवाज यहाँ से आई है। मेरा ख्याल है
अंडे में से आई है। चलो चलकर देखती हूँ। मेरा ख्याल है इसमें से आई, नहीं दूसरे में से आई है। मेरा ख्याल है, चुप, तू तो चुप करके बैठ, चुप। मेरा ख्याल है इस वाले में है। मेरा ख्याल है चूजा निकलने वाला है, इसी में से आवाज आई है। मेरा ख्याल है अब इसमें से निकलने वाला है चूजा। कितना प्यारा चूजा है। मेरा ख्याल है अब इसमें से आवाज आई है। प्यारे चूजे हैं। मेरे पास तो चूजे चूजे हो गए, इतने बहुत सारे चूजे, कितना मजा आएगा। अब ये चूजे थोड़े दिनों में मुर्गियां बन जाएंगे। मुर्गियां हर तरफ कुट 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 करती फिरेंगी और मुर्गा मासी जनते के कोठे पर चढ़कर खूब बांगे देगा। कुकड़ू को, कुकड़ू को। मासी इनके शोर शराबे से तप जाएगी और इन्हें पत्थर मारेगी। तब मेरे मुर्गे उछल उछल कर मासी जनते को ठोंगे मारेंगे। फिर मैं इन्हें शीशी करके भगा दूंगी। चलो 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 अंदर, चलो चलो चलो, शाबाश चलो। अरे दफा भी हो कमबख्त, आज तो मैं तेरा सूप ही बनाकर पीऊंगी। मासी क्या हो गया है? बानो, मैं तेरे इन मुर्गों को जहर दे दूंगी, इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। बस मासी बस, तुम फिकर ना करो, मैं इनको बेच ही दूंगी। अब तो खुश हो ना? हाँ, मगर अब अपनी जबान पर कायम रहना। हाँ हाँ मासी ठीक है, मैं चली। हाँ हाँ, खुदा हाफिज़। मैं मुर्गियों को बेचकर अब एक बकरी खरीदूंगी। गांव के सारे बच्चे बारी बारी इसे चराया करेंगे, फिर वो बच्चे देगी। पर बकरी के बच्चों की मैं से मेरे तो कान दुखने लगेंगे। मेरे कान दुखे ना दुखे, पर मासी जनते के कान जरूर दुखने लगेंगे। शाबाश, चलो चलो बाहर निकलो, चलो। अरे नूरे, तुम अभी तक बकरी के साथ खेल रहे हो? जाओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। बाजी, चला जाता हूं। अब इन बकरियों को बेचकर अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। बड़ी मुश्किल से
मुर्गियों से जान छुड़ाई थी, अब बकरियां ले ली हैं मेरी जान खाने के लिए। कहां गई बानो की बच्ची? क्या हुआ मासी? मैं भी देख लेती हूँ। क्या हुआ मासी, फिर कोई झगड़ा हो गया है? देख बानो, या तो यहाँ तू रहेगी या फिर तेरी ये बकरियां। मासी फिकर क्यों करती हो, मैं इन तमाम बकरियों को बेच ही दूंगी। ना रहेंगी बकरियां और ना मेरी प्यारी मासी मुझसे नाराज होगी। अब तो खुश हो ना मासी? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा मासी, खुदा हाफिज़। मेरा ख्याल है अब इन बकरियों को बेच ही देना चाहिए और इनकी जगह एक शर्मीली सी गाय ले लेनी चाहिए। इस गाय के गले में एक बड़ी सी घंटी होगी, वो जहाँ से भी गुजरेगी टन टन की आवाज सुनकर हर कोई मेरी गाय की तरफ देखेगा और इसकी खूबसूरती की तारीफें करेगा। चलो बाहर निकलो, चलो चलो। फजलू चाचा, फजलू चाचा। आया बीबी जी। फजलू चाचा, जरा इन गाय भैंसों को पट्टे तो डाल दो। अच्छा जी, लेके आ रहे हैं जी। हाँ जी, बीबी जी, जासा। हाँ हाँ, अब जाओ। क्या मुसीबत है, पट्टे भी डाल दिए फिर भी शोर मचाए जा रही हैं। अब मेरे पास बहुत सी गायें हो गई हैं, अब इनके साथ में एक भैंस भी ले लूंगी, कितना मजा आएगा। मेरी प्यारी गायें और भैंसों, तुम कितनी अच्छी हो। क्या मुसीबत है, मुर्गियों से जान छूटी तो बकरियां आ गईं, बकरियों से जान छूटी तो गाय भैंसे आ गईं। आए तू तो परे हो, अब और कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी। बानो आज तू मुझे बता ही दे। मासी, मेरी प्यारी मासी, तुम फिकर ना करो, मैंने इनका भी बंदोबस्त कर लिया है। क्या बंदोबस्त कर लिया है? बस बस मासी, कर लिया है ना। अब मैं इन गायें और भैंसों का दूध बेच बेच कर बहुत ज्यादा मालदार हो जाऊंगी। हट, चलो चलो चलो, हट हट, चलो चलो, शाबाश, चलो 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 चलो। वाह जी वाह, अब मुझे कोई परवाह नहीं है,
मैं अब बहुत ज्यादा अमीर हो गई हूँ। अब मैं अपने लिए इसी गांव में एक आलीशान घर बनवाऊंगी, जिसके चारों तरफ बागीचे होंगे जो खूबसूरत फूलों से भरे होंगे, और इन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडला रही होंगी, और मैं इन बागीचों में सैर किया करूंगी। सैर करते वक्त मैं एक शहजादी लगूंगी। सब सहेलियां मुझे रश्क की नजरों से देखेंगी। शहजादे मेरे लिए पैगाम भिजवाएंगे, मगर मैं भी साफ इनकार कर दूंगी। बानो, ओ बानो पुत्र, मासी जनते के घर जाके दूध दे आ। हैं? हैं? ये क्या? क्या मैं ख्वाब देख रही थी? आई लाला, जाती हूँ मासी जनते के घर दूध देने के लिए। चल भाई बानो, अब तू भी मासी जनते के घर जाके दूध दे आ। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आजकल घरों में आप ख्याली पुलाव तो नहीं पका रहे? प्यारे बच्चों, ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अमली काम करने चाहिए और अपने फ़राइज़ को पूरा करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ ही आपकी मेज़बान किरण आपसे इजाज़त चाहती है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।